जब मैंने मम्मी जी को पहली बार देखा था ना, मैं तो घबराई गई थी। मैंने तो साफ साफ मना करती थी रिश्ते के लिए। अरे बो, ऐसा मैंने तुझे क्या कह दिया जब तूने शादी के लिए मना कर दी? फिर तूने मना की तो फिर तूने शादी क्यों की? मैंने सोचा कि आपकी शक्ल ऐसी है तो आपका बेटा कैसा होगा। मैं तो ये सोच रही हूँ कि ससुर जी ने आपसे शादी करने के लिए हाँ कैसे कर दी होगी। माँ, आप क्यों भाभी की बातें सुनती हो? अरे कभी अपने आप को भी देखा है? कहाँ मेरा भाई और कहाँ ये? उसकी तो आदत है मजाक करने की, कोई बात नहीं। पर माँ, मजाक करने की भी कोई हद होती है। पता नहीं भाभी की मजाक करने के कारण और कितनी मुसीबत देखनी पड़ेंगी। दीदी, वो आपने मेरे बेटे सूरज को देखा क्या? अरे तू परेशान क्यों हो रही है? बालक ही तो खेलता खेलता आगा होएगा, भाड़ा मिल जाएगा। माँ, एक बार भाभी से पूछ लो, वो भी तो खिलाती रहती है उसे, उन्हें जरूर पता होगा। ओ बहू, देखे यहाँ तेरे पास शर्मा जी का बेटा आया खेलने के लिए। नहीं नहीं, यहाँ कोई बेटा बेटा नहीं आया आपका, क्यों क्या हो गया? अरे हंसा मत, सामने शर्मा इनको तो देख ले। अरे मम्मी जी, ये तो शर्माइन कम घबराइन ज्यादा लग रही है। पता नहीं कैसी माए होती है आजकल, बच्चे कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं रहता उन्हें। अरे भाभी कैसी हो आप? एक तो वो पहले से ही इतनी परेशान है। अरे आपको ना पता ना सही, पर कम से कम उन्हें और परेशान तो मत करो। अच्छा मैं तो चली, यहाँ का माहौल तो कुछ ज्यादा गंभीर लगता है। अच्छा शर्मा, तुम परेशान मत हो, हम सब मिलकर ढूंढ लेंगे, यहीं कहीं होगा मोहल्ले में। मुझे पता है, जरूर ये काम भाभी का ही होगा, अभी मजा चखाती हूँ इन्हें। नहीं नहीं मम्मी, ये तो बच्चा चोरी का केस भी हो सकता है। चलो मम्मी पुलिस के पास चलते हैं, पुलिस के दो डंडे पड़े नहीं, सब कुछ बता देगा वो। चलो। कैसी पुलिस? ये रहा आपका मुन्ना, मैं तो मजाक कर रही थी। बस कर बहू, तुझे पता है जब किसी का बच्चा खो जाता तो उस पर क्या बीतती है, तुझे मजाक सूझ रहा? बहू, आज तेरे नंद को लड़के वाले आएंगे देखने के लिए, थोड़ा कम बोलना। अरे मम्मी जी, मुझे थोड़ी ना पसंद करने आ रहे हैं, अपनी बेटी को समझाओ। वो तो समझी हुई है, वो बड़े घर के लोग हैं, उनके सामने थोड़ा कम बोलना। ठीक है मम्मी, वे लोग चौपले पे आ गए हैं, सब तैयारी हो गई क्या? हाँ बेटा, सब तैयारी हो गई है। बस मैं तो तेरी बहू को समझा रही हूँ, अपनी जुबान थोड़ी कंट्रोल में रखे। अरे ये घर तिवारी जी का है क्या? नहीं नहीं, वर्मा जी का है, पर यहाँ भी लड़की है, आइए देख लीजिए। आइए आइए बहन जी, कैसी हो आप? आपको आने में कोई दिक्कत परेशानी तो ना हुई? ये बहू थोड़ी मजाक किया, किसी ने रोक टोक ना करी तो मजाक कर लेती है। देखना आंटी जी, माँ जी आपको भी कैसे समझा रही हैं कि आप भी उनके बेटे पे कोई रोक टोक ना लगाए। क्यों, ठीक कहा ना माँ जी? हे भगवान। अरे बेटा ये कैसे लोग हैं, अभी तो हम यहाँ बैठे भी नहीं है, इन्होंने अभी से ताने देना शुरू कर। मम्मी हमें इनसे क्या लेना, हमें तो लड़की से मतलब है, चलो एक बार लड़की देख लेते हैं। माँ को बेटे की बात अच्छी लगती है तो वो बैठ जाती है। क्या माँ बेटे में खुसर पुसर हो रही है? देखो अगर दहेज की बात करनी है तो आमने सामने कर लो, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है देने के लिए। माँ जी ने तो मेरे गहनों पे नजर रख रखी है, नहीं तो इन्होंने तो कुछ जमा ही नहीं किया अपनी बेटी की शादी के लिए। चल यहाँ से, हमें नहीं करना ऐसे घर में तेरा रिश्ता। हाँ कैंसिल हो गया, अब सारा खाना हमें खाना पड़ेगा। चलो देखती हूँ। राम राम दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक कमेंट जरूर करें, और किसका पार्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट में जरूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय, राम राम।